हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द बीजन यूपीपीएससी चैनल में। मेरा नाम है श्याम चैल। दोस्तों, हम आज मई के करंट अफेयर को पूरा करेंगे। जिस इस सीरीज का नाम दिया है सुपर 300। ये फर्स्ट वीडियो है मेरा। एक वीडियो मैं और डालूंगा मई के महीने को कंप्लीट करने के लिए, मई के करंट अफेयर को। और दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ताकि आगे भी आप करंट अफेयर को आराम से देखते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहले जो क्वेश्चन है, भारत का पहला खुरपका मुंहपका रोग संस्थान कहाँ बना है? दोस्तों, ये उड़ीसा में बना है। उड़ीसा भी ऑप्शन में आ सकता है और भुवनेश्वर भी ऑप्शन वाला। बना तो भुवनेश्वर में है लेकिन राजधानी है ये उड़ीसा की, तो भुवनेश्वर में बना है ये। और खुरपका मुंहपका के बारे में आप नहीं जानते हो, मैं बता दूं कि ये एक जानवरों में होने वाला रोग है। इसमें ये वायरस से फैलता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि खुरपका और मुंहपका, यूपीपीएससी में बहुत बार पूछा भी गया है ये इस रोग का कारण क्या होता है। तो वायरस से होता है ये रोग। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय के नए उप कुलपति के रूप में जो नियुक्त हुई है उनका नाम है सुनैना सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूएसए में ट्रांसफॉर्मेटिव चीफ मिनिस्टर टीसीएम अवार्ड जो दिया गया है चंद्रबाबू नायडू है। उसकी दो वजह मैं आपको बता दूं। चंद्रबाबू नायडू को डिजिटल पेमेंट के ऊपर जो कम्युनिटी से संबंधित एक समिति बनाई गई थी उसका हेड बनाया गया है। और दूसरा ये है कि आंध्र प्रदेश भारत की पहली ऐसी विधानसभा थी जो पूर्ण रूप से पेपरलेस थी, तो इसके लिए इनको अवार्ड मिला है। ये यूएसए में, यूएसए द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। वित्त वर्ष 2017 के लिए भारत में अवसंरचना विकास के लिए जापान ने भारत को आर्थिक मदद दी है और वो है 371 एन, यानी कि 21,590 करोड़ समथिंग। देखिए, दो क्वेश्चन बन सकते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि कितना पैसा दिया गया। ये भी पूछा जा सकता है कि भारत के अवसंरचना विकास के लिए 2017 में किस देश ने जो है सहायता दी है या ऋण दिया है, तो वो देश है जापान। दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, इनका नाम है बनाजा शर्मा। अगला है, 1 Gbps वायर्ड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा देने वाला भारत का पहला शहर हैदराबाद है। कौन सा देश दक्षिण एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन प्रोग्राम का नया सदस्य बन गया है? तो ये देश है म्यांमार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, सब रीजनल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2001 में, और इसके जो मेंबर हैं वो हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीप, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका। तो नया कौन ऐड हुआ है? म्यांमार। भारत के दिवालियापन बोर्ड IVVI का नया सदस्य बन गया है नवरंग सैनी। दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है, किसने 2017 महिला एकल सुपर सीरीज टूर्नामेंट जीता है? उनका नाम है पीवी सिंधु। उच्च शैक्षिक संस्थानों के लिए 2017 राष्ट्रीय रैंकिंग फ्रेमवर्क में कौन सा संस्थान सबसे ऊपर है? इंडियन साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलोर, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर का। किस राज्य में राष्ट्रमंडल वानिकी सम्मेलन का 19वां संस्करण हुआ है? देहरादून, उत्तराखंड। आपको बता दूं, राष्ट्रीय वानिकी संस्थान भी देहरादून में ही है। 2017 यूनेस्को गिलरमो कैनो वर्ल्ड फ्रेस फ्रीडम प्राइज के लिए चुना गया है डेविड इशाक को। दक्षिण एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के वित्त मंत्रियों की जो बैठक हुई है वो भारत में हुई है, और इससे पहले मैंने बताया था सब रीजनल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन में कौन सा देश शामिल हुआ है? म्यांमार शामिल हुआ है। तो ये जो बैठक हुई थी इसी में इसको शामिल किया गया है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, आयुष चिकित्सा प्रणाली पर काम काज की जो नियामक संस्था है उस पर एक कमेटी, उच्च स्तरीय जांच कमेटी बिठाई गई है, उसका नाम है अरविंद पनगड़िया समिति। नटांगी नेशनल पार्क किस स्टेट में है? तो ये है नागालैंड में। किशोरी यमोनकर, प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक का निधन हो गया है। ये इनका जो संबंध था वो महाराष्ट्र से था। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर को कार्यभार संभाला है बीपी कानूनगो ने। किस देश में आधिकारिक तौर पर कानूनी रूप से बिटकॉइन और डिजिटल मुद्राओं को मान्यता दी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जापान वो कंट्री बना है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ई नगर पालिका ऐप लॉन्च किस राज्य ने की है? तो वह है मध्य प्रदेश। भारत की पहली ट्रांजिशन पुलिस सब इंस्पेक्टर बनी है पृथ्विका याशनी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्यभार संभाला है राजीव चंद्र ने। कौन सा राज्य तीसरी लड़की के जन्म होने पर 21,000 रुपये परिवार को अनुदान देगा? तो वह है हरियाणा। इक्वाडोर के नए जो राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है लेनिन मोरेनो।
दोस्तों इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के गठित होने के लिए एक नया बोर्ड का अध्यक्ष जो बनाया गया है उनका नाम है गिरी शंकर। सर्बिया का राष्ट्रपति जिन्हें चुना गया है एलेक्जेंडर बुकीक। 2016 के लिए विश्व में विस्टन के अग्रणी क्रिकेटर के रूप में जो सम्मानित किया गया है विराट कोहली को, सचिन तेंदुलकर के बाद ये दूसरे क्रिकेटर हैं। वर्ष 2015 के लिए वाडा विरोधी डोपिंग नियम उल्लंघन रिपोर्ट में भारत का जो रैंक है वो थर्ड रैंक है। पहले नंबर पे आप बता दूं मैं रशिया है। किसने चंद्रमा से धरती तक एक लिफ्ट का डिजाइन किया है और नासा का मून पुरस्कार जीता है उनका नाम है साई किरण पी। इनका संबंध भारत के राज्य तमिलनाडु से है और ये नासा में इस टाइम वर्क कर रही हैं। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक जो बनाए गए हैं उनका नाम है माल विकास सिन्हा। प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए किस राज्य ने गुणोत्सव कार्यक्रम शुरू किया है? असम ने। कृषि ऋण माफी निर्णय को जो उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी लिया है उसके लिए एक समिति का गठन किया गया है, उसका नाम है राहुल भटनागर समिति। ये मुख्य सचिव हैं इस टाइम उत्तर प्रदेश। प्रसिद्ध ब्रह्मपुर ठकुरानी यात्रा समारोह जो हुआ है वो उड़ीसा में हुआ है। द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज नेशकॉम का जो चेयरमैन बने हैं वो बने हैं रमन रॉय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है हमेशा। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, लिंग अंतर अंतर को बेअसर करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है आइसलैंड। इसका मैं डिफरेंस आपको बता दूं, महिला और पुरुष में जो सैलरी का जो डिफरेंस होता है वो एकदम खत्म हो गया है, यहाँ बराबर है सभी सेक्टर में। ये ऐसा करने वाला आइसलैंड पहला देश है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वर्ल्ड जेंडर इंडेक्स में जो रैंक थी आइसलैंड की 2016 की वो भी नंबर वन थी। तो अगला क्वेश्चन है, दिबांग वन्यजीव अभयारण्य जो है अरुणाचल प्रदेश में है। भारतीय रिजर्व बैंक 2017-18 के लिए पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा के अनुसार रिवर्स रेपो रेट जो है 6% है। कौन सा राज्य हिंदू पुरोहितम पर एक साल का डिप्लोमा कोर्स कराएगा? उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। विश्व यात्रा और पर्यटन की परिषद की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार जीडीपी की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी पर्यटन अर्थव्यवस्था में भारत की जो रैंक है वो 7वीं है। दोस्तों अगले जो क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2017 की जो थीम थी डिप्रेशन लेट्स टॉक, अगर आप डिप्रेशन में हैं तो बात करें। 2017 क्षय रोग यानी कि टीबी का शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो धर्मशाला में हुआ था। भारत ने मीडियम रेंज की सतह से वायु में मिसाइल प्रणाली पर जिस देश से समझौता किया है उस देश का नाम है इसराइल। 2017 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वैश्विक यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धी सूचकांक में भारत की जो रैंक है 40 और इसमें जो वर्ल्ड का नंबर वन देश है वो है स्पेन। इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो एक संस्था है निकालती है पर्यटन के ऊपर जो रिपोर्ट्स आती हैं, वैश्विक यात्रा और पर्यटन प्रति सूचकांक जो है यही निकालती है। ये क्वेश्चन भी हमेशा पूछा जाता रहता है, भारत की रैंक भी पूछी जा सकती है और कौन देश ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा पर्यटन जो पर्यटन करने लोग जाते हैं वह स्पेन है। वर्ष 2016 के लिए मरणोपरांत कीर्ति चक्र पुरस्कार दिया गया है प्रेम बहादुर रेशमी मगर को। कीर्ति चक्र पुरस्कार जो है वह युद्ध के छेर युद्ध का जो क्षेत्र होता है, अगर युद्ध नहीं चल रहा है उसके बिना साहसपूर्ण कार्रवाई स्व बलिदान के लिए सम्मानित होने वाला दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने गायों की सुरक्षा और प्रचार के लिए उपचार के लिए स्टाम्प ड्यूटी पर अधिभार के रूप में 10% का जो है गाय उपकर लगाया है? तो वो राज्य का नाम है राजस्थान। और इसमें इंपॉर्टेंट मैं बात आपको बता दूं, याद रखने वाली बात कि कंफ्यूजन आपको ना हो, एमपी में और राजस्थान में कंफ्यूजन होता है। तो देखिए कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा, एक व्यक्ति का नाम था पलटू खान, अलवर का वो रहने वाला था और वो एक गाय को पता नहीं वो पालने के लिए जा रहा था, कैसे ले जा रहा था फिलहाल, और कुछ लोगों ने उसको पकड़ के मारा और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। ये मुद्दा बहुत हाईलाइटेड रहा था, तो आपको अगर याद रखना है तो हो सकता है उस व्यक्ति का नाम भी पूछ लिया जाए कि उस व्यक्ति का नाम क्या था। तो पलटू खान उस व्यक्ति का नाम था और ये जो है राजस्थान ने जो है 10% का उपकर लगाया है। कौन सा देश दुनिया के पहला देश बन जाएगा जो मारिजुआना ये ड्रग्स के तरफ से एक होता है कि वैध उत्पादन बिक्री उपभोग पर इसका जो है अनुमति देने वाला उरुग्वे पहला कंट्री बन गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गरीबों को सब्सिडी
वाले दर पर भोजन प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने दीनदयाल रसोई योजना शुरू की है? उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। 64वें राष्ट्रीय पुरस्कार 2017 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का जो पुरस्कार जीता है उसका नाम है धनक। 2017 राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह की मेजबानी किस शहर में हुई? विशाखापट्टनम में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, स्वच्छाग्रह बापू को कार्यांजलि नामक की प्रदर्शनी जो हुई है वो न्यू दिल्ली में हुई थी, और चंपारण जो आंदोलन हुआ था उसके 100 साल के पूरे होने पर ये नई दिल्ली में इसके ऊपर एक प्रदर्शनी रखी गई। संयुक्त राष्ट्र की सबसे कम उम्र की जो शांति दूत है उनका नाम है मलाला यूसुफ जई। मलाला यूसुफ जई को अभी कनाडा ने भी जो है मान्यता दी है, ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला, किस भारतीय मूल शिक्षाविद ने एशियाई बिजनेस वूमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? आशा खेमका। विश्व होम्योपैथी दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ न्यू दिल्ली में। भारतीय मंगोलियाई संयुक्त सैन्य अभ्यास का 12वां संस्करण नोम डी खांती किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ? तो वो है मिजोरम। देखिए दोस्तों दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है ये पूछ लिया जाए कि ये कहाँ हुआ था, मिजोरम में। नहीं तो क्वेश्चन अमूमन ये आता है कि नोमडे हाथी जो नाम है तो वो जो अभ्यास होता है वो किन दो देशों के बीच होता है, तो याद रखना भारत और मंगोलिया के बीच होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सी राज्य पुलिस राज्य की शहर की पुलिस ने पिंक हॉर्सलेस पुलिस पेट्रोल वाहनों की शुरुआत की थी? बेंगलोर ने ये शुरू किया है। 2017 फार्मूला वन चीनी ग्रांड प्री टूर्नामेंट हुआ था चीन में, वो किसने जीता? लुइस हैमिल्टन ने जीता है। 2017 का आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी होने वाली है इंग्लैंड में, उसका जो इनोवेशन पार्टनर बना है वो बना है इंटेल। कौन सा राज्य सरकार सबसे सस्ते भोजन कैंटीन अन्नपूर्णा भोजनालय की शुरुआत करेगा? तो उसका नाम है उत्तर प्रदेश। लंदन के ओल्ड वैली न्यायालय में फर्स्ट भारतीय मूल का जो व्यक्ति है नॉन वाइट न्यायाधीश बना है अनुजा रविंद्र धीर इनका नाम है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। दोस्तों अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गांधी इन चंपारण ये पुस्तक किसने लिखी है? दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर ने, इंपॉर्टेंट है याद रखिए आप इसको। विच पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड बाय द सर्वे ऑफ इंडिया दैट ऑफर फ्री डाउनलोड ऑफ इंडियन मैप्स? आप एक स्टूडेंट हैं और आपको जरूरत पड़ती रहती है तो आप इस पोर्टल पे आप जाके फ्री जो इंडिया के जितने भी आप मैप्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं अपने फोन में, नक्शे पोर्टल उसका नाम है। वो हैज वन द 2070 पुलिसर प्राइस इन फिक्शन इनका नाम है कोल्सन व्हाइटहेड, और इनका जो उपन्यास है जिनके लिए इन्होंने जीता है ये पुरस्कार उसका नाम है अंडरग्राउंड रेल रोड, ये भी इंपॉर्टेंट है, और इनका नाम की जो इसको मिला है तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पुलिसर अवार्ड पूछा जाता रहता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट आई है मौत और उसका निष्पादन 2016 के अनुसार किस देश में सबसे ज्यादा फांसी दी गई? उसका नाम है चीन, और उसके बाद जो दूसरी कंट्री है ईरान। डिजिटल अर्थव्यवस्था पर G20 डिजिटल मंत्री की जो बैठक हुई है वो जर्मनी में हुई है। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, क्रिस्टीन डेविस को नए UNHRCR सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है, वह किस देश से संबंधित हैं? USA से। केंद्र सरकार की किस क्षेत्र के लिए संपदा स्कीम लॉन्च की है? उस क्षेत्र का नाम है खाद्य प्रसंस्करण यानी कि फूड प्रोसेसिंग। देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा दोस्तों तो सबसे पहले संपदा स्कीम देखते ही पहला ऑप्शन खनन का होगा, तो ध्यान रखिए इसको, ये फूड प्रोसेसिंग से संबंधित है। अगला है, दूर संचार विवाद निपटान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है शिव कीर्ति सिंह। क्षेत्रीय एयर कनेक्टिविटी योजना यानी कि उड़ान जो अभी लॉन्च की है शिमला से प्रधानमंत्री मोदी ने, उस योजना की जो निगरानी करने के लिए एक समिति का निर्माण भी किया गया है, RN24 समिति है उसका नाम। मातोश्री किताब जो जिनकी लेखक हैं सुमित्रा महाजन, हमारी लोकसभा अध्यक्ष हैं इस टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इनकी बुक पूछी जा सकती है। जर्मनी में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है मुक्ता दत्ता तोमर को। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफ जई ने किस देश की नागरिकता हासिल की है? मैंने अभी बताया था आपको कनाडा की उन्होंने नागरिकता हासिल की है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मलाला यूसुफ जई सबसे कम उम्र की यूएन की शांति दूत बन गई हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के नए प्रशासक का नाम है अचीम स्टेनर। स्कूलों में माताओं को श्रद्धांजलि देने के लिए अम्माकू वंदनम एक कार्यक्रम शुरू किया गया है, और किस राज्य ने किया है? आंध्र प्रदेश ने। वर्चुअल
वर्चुअल करेंसी बिटकॉइन, या एक वर्चुअल करेंसी का एग्जांपल बता दूंगा आपको, बिटकॉइन होता है। मौजूदा ढांचे की जांच करने के लिए एक भारत सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है, उसका नाम है दिनेश शर्मा समिति। भारत ने हिंदी भाषा पाठ्यक्रम के विस्तार के लिए अपने एक पड़ोसी देश से हस्ताक्षर किया है, उस देश का नाम है चीन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने परंपरागत व्यवसायों में सुधार के लिए अदराना योजना शुरू की है? आंध्र प्रदेश ने। अदराना योजना, याद रखिए अदराना योजना जो है परंपरागत व्यवसायों से संबंधित है और आंध्र प्रदेश ने इसकी शुरुआत की है। स्वच्छता पैरामीटर में बंदरगाहों की पहली रैंकिंग में कौन सा बंदरगाह आ रहा है? हल्दिया पोर्ट, ये बंगाल में है। खेल में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने खेल भागीदारी जो समझौता किया किस देश के साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। भारत की पहली औद्योगिक कलात्मक रोबोट ताल ब्रावो किस कंपनी ने इसका निर्माण किया है? तो टाटा मोटर्स ने किया है। वो मार्क वेनबर्ग, प्रसिद्ध एड्स शोधकर्ता का जो निधन हो गया है, कनाडा से संबंधित थे। इनका नाम जो है इसलिए भी पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में जो एड्स के एक बहुत बड़े रिसर्चर थे उनकी डेथ हो गई, उनका नाम क्या है, तो ये भी पूछा सकता है। मार्क वेनबर्ग वो थे। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन दुर्गा चलाया है? हरियाणा ने। तो आपको बता दें, जैसे उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो स्क्वाड करके एक जो प्रोग्राम चल रहा है, सेम उसी का दूसरा दूसरा रूप जो कहते हैं हम, तो वो हरियाणा में ऑपरेशन दुर्गा के नाम से चल रहा है। 2017 का सांकेत त्यौहार कहाँ मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश में। इस तरह के त्यौहार हमेशा पूछे जाते रहते हैं। सांकेत त्यौहार था ये, अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय के नए नियुक्त जो मुख्य न्यायाधीश, उनका नाम है गीता मित्तल। अनाज उत्पादन में वृद्धि के लिए किस राज्य सरकार को 2015-16 के लिए कृषि कृष्ण पुरस्कार दिया गया है? हिमाचल प्रदेश को दिया गया है। पिछले साल ये मध्य प्रदेश को दिया गया था, तो इस साल ये हिमाचल प्रदेश को दिया। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, पूछा जाता रहता है। किस राज्य सरकार ने सब फॉर ऑल, सॉरी पावर फॉर ऑल होगा ये, जो स्कीम लॉन्च की है, भारत उत्तर प्रदेश सरकार ने की है ये लॉन्च। किस भारतीय पर्यावरण इंजीनियर को कार्टियर महिला इनिशिएटिव पुरस्कार मिला है? उनका नाम है तृप्ति जैन। भारत की पहली निजी रेलवे स्टेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, भारत की पहली निजी रेलवे स्टेशन जो बन गई है मध्य प्रदेश में, उस स्टेशन का नाम है हबीबगंज स्टेशन, ये भोपाल के पास में ही है। 2017 का पाना संस्कृति ने हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? इसको उड़ीसा में मनाया गया है। इसको कोर्डी थर्मल पावर जो प्लांट है वो महाराष्ट्र में है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कोर्डी थर्मल प्लांट कहाँ है ये पूछा जा सकता है, तो ये महाराष्ट्र में है। निम्नलिखित में से कौन से देश ने अपनी पहली संयुक्त सैन्य अभ्यास सागर माथा मैत्री 2017 का आयोजन किया है? चीन ने और नेपाल ने, इन्होंने मिलके सागर माथा मैत्री 2017 का आयोजन ये लोग कर रहे हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों के भविष्य को उजागर करने के लिए किस राज्य की सरकार ने तारे जमीन पर प्रोग्राम चलाया है? झारखंड ने। दोस्तों पहला जो इसका सेक्शन था हम कर चुके हैं, दूसरा पार्ट मैं एक दो दिन में अभी दूसरा डाल दूंगा उसके, फिर हमारे मई के जो हैं करंट अफेयर पूरी तरह से फिनिश हो जाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे बताइए। करंट में कुछ और भी चीज़ अगर मैं साथ में कोशिश करूंगा कि उसके साथ में उससे लेट करता हो, कोई और दूसरा क्वेश्चन हो तो उसको भी ऐड करता रहूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे जरूर बताएं, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।